आईएमए के बारे में शरियार भाई अपडेट लोग जानना चाह रहे हैं, जो खासकर इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप लोगों का इंटरव्यू कर लिए, सब कुछ हो गया, अब ये बताइए हम क्या करें। तो आप एक समरी दीजिए कि इन्वेस्टर को इस वक्त क्या करना चाहिए। इन्वेस्टर को आई थिंक सब लोगों ने केस फाइल किया है, SIT अपना एक्शन बहुत एक्सपीडिशियसली कर रही है, मैं भी क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। सारे एसेट्स मंसूर के और उसके एसोसिएट्स जो रिसेंटली बेको अरेस्ट हुए थे, इन लोगों को अंडर कस्टडी ले रही हैं, और उसके जो एसेट्स मिलेंगे KPID एक्ट में लिक्विडेट करने की कोशिश करेंगे। उसके कोई इमूवेबल जैसे लैंड है, प्रॉपर्टी है, फ्लैट्स हैं, तो वो भी लेके उसको भी लिक्विडेट करेंगे, यानी उसको बेचने की कोशिश करेंगे। अगर मैं तो दुआ करता हूँ कि ये मंसूर उसके ऊपर कोई बैंक लोन नहीं लिया है, क्योंकि अगर वैसा है तो पहले बैंक का हिस्सा जाएगा, फिर उसके बाद तकसीम करेंगे। अभी सही तरीके गया तो 5-6 महीने, 1 साल भी हो सकता है। तो अभी इन्वेस्टर के लिए इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है फरहान साहब, ये लोग भी कॉन्स्टेंटली प्रेशर बना के रखना चाहिए, हमारे थ्रू, दूसरे चैनल्स के थ्रू, पब्लिक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, ऑफिसर से मिलते भी है। अगर बैठ गए तो यू नो आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। आपने सही बोला, क्योंकि पुराने जो केस ऐसे हुए हैं उसमें यही देखने को आया है कि जब प्रेशर खत्म हो जाता है पब्लिक का, तो ये एजेंसीज भी कॉम्प्लेसेंट हो जाती है। और आप देखिए, मैं एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था, कंसर्न ऑफिसर से, वो सारे एजेंसीज जी हमारे उलमा का छोड़े बेचारे, उनको मालूम ही नहीं होता उलमा को, उनका एक्सपर्टाइज अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका उनका ये नहीं है, बुरा हो या अच्छा हो, कहीं उनका भी है इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिशियंस का है। फ्रेजर टाउन पुलिस स्टेशन तो है, वहाँ वो जाके क्रिकेट मैच खिलाता था, और ये पुलिस क्रिकेट मैच खेल के उसके गिफ्ट लेते थे। वही मैं बोलता हूँ ना, जो फैंसी जब घास खाना शुरू करे तो कौन बचाएगा घास को। इतने कम 5 साल थे तो मुझे मालूम है कि उसके खिलाफ सस्पिशन था, जिन्हें भागता बोल के था उलमा भी, आप इंटरव्यू किया ना, कितने उलमा, ये भी हमको नहीं मालूम था कि फतवा इशू नहीं हुआ था, बिल्कुल 3-4 उलमा ऑन रिकॉर्ड आके मुफ्ती साहब के बोले हैं, आपको जैनुल आबिदीन साहब, शमसुद्दीन साहब आके बोले हैं कि हम लोग फ्राइडे में हम कर रहे थे, हमको प्रूफ भी दिखा ना एक फतवा का, कोई आदमी पूछा था, उसके बाद भी अगर मिसलीड हो तो वेर डिड वी गो रॉन्ग, हमारी कम्युनिटी किधर गलत हुई, क्या जो सियासतदान चुपके बैठ गए थे, या इन्फॉर्मेशन गया नहीं, जुम्मे की नमाज में जैनुल आबदीन साहब आपके आपकी अपी को बोल रहे हैं ना फरहान साहब, कि मैं कितना बोला फिर भी लोग सुने नहीं, क्या हो गया हमारे लोगों को, कई को नहीं सुनते, दो रहम के लोग होते हैं फरहान साहब, एक नीडी एक ग्रीडी। मैं गरीबों को इसमें जो डाल है मैं उनको तो ब्लेम नहीं करता, मैं आप जानते हैं ना, हम लोग मिले थे, कैंसर है, ये है, उन्होंने समझे कि ठीक है हमें इतना डाल रही, कोई बोल दिया कि हलाल है तो हमने इतने पैसे आती, गरीबी मिट जाएगी, स्कूल की फीस, बीमारी, कैंसर, ये वो। वॉट अबाउट द ग्रीडी, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो डकार डाल बैंक को भी लूट के बैठे हैं, और उसमें ज्यादा से ज्यादा उनको क्या बोलते हैं आप, इट इज अ केस ऑफ ग्रीडी एंड नीडी। अभी एक 2-3 मेल आए हैं शरियार भाई, उसमें एक मेल में सजेशन ये आया है कि बहुत सारे लोग चाहे लालच में डाले हों, कुछ भी हो डालें, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि जो पैसे वाले हैं वो तो अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना 2-3 लाख डाल के अपना घर हर रोज़ चला रहे थे, अब वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं कि अब वो भी ये तक हो रहा है कि मैं जहर खा के मर जाऊँ, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि या किसी आलिम को, किसी ऐसे इंसान को लाइए कि उनको ज़रा मोटिवेट करे, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा दिल बड़ा जल रहा है, मैं क्या बोलूँ आपको, आलिम को बुलाएंगे फिर वही बात हो ना, जालिम को बुलाए बोल के जी, हाँ क्या करे आलिम इन लोगों को, क्या ये लोग पैसे क्यों डाले, समबडी सम लीडर्स गाइडेड ना, रिलीजियस या पॉलिटिकल, साइक्रेटिस्ट को बुलाइए, साइकोलॉजिस्ट को बुलाइए, उसके तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके, इनका गम इनका दुख वो थोड़ा मिटिगेट कर सकते हैं, इनके हाथ से नहीं होता जी। इवन साइकेट्री एंड साइकोलॉजी कोई इंसान की साइंस नहीं है, वो भी खुदा की साइंस है, अल्लाह ताला ही का गिफ्ट है वो इंसान के लिए, उसका यूज करना चाहिए, ये लोग क्या करेंगे आगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको IMA के ऊपर अपडेट देने के लिए। थैंक यू।